आज तो ईद है। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू चैनल एंड थैंक यू फॉर कमिंग बैक। मुझे पता है कि इस वक्त आप में से कोई भी बंदा ये नहीं सोच रहा था कि हमजा इतनी अच्छी लाइटिंग कैसे है, बिकॉज दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई वाज थिंकिंग। और सीनियर के थोड़े ईयर से पहले मैंने ये लाइट ली थी, दिस इज अ प्रोफेशनल रिंग लाइट। जो सारे कूल यूट्यूबर्स होते हैं ना, वो सारे ये लाइट यूज करते हैं, तो मुझे भी ये लगा कि अगर मैं ये लाइट लूंगा तो मैं भी कूल यूट्यूबर बन जाऊंगा एंड आई बिकम अ प्रोफेशनल यूट्यूबर। लेकिन इस लाइट का लिटरली मेरी जिंदगी में कोई मकसद नहीं है, कोई फायदा नहीं है, मैंने सारे पैसे इस पे जाया किए हैं। लेकिन पैसे खर्च किए, पैसे पूरे करेंगे तो इस लाइट को हम बस चला के रखेंगे, चला के नहीं बेशक तो हम इसको साथ लेके जाएंगे हर जगह इस तरह। Hey guys! देखें, आपस की बात है, मुझे भी पता है और आप लोगों को भी पता है कि आज का दिन कौन सा है। तो इसी बात पे मैं कहना चाहूंगा आप सबको मेरी दिल की गहराइयों से बहुत बहुत ईद मुबारक। अब नॉर्मली ऐसे होता है कि लोग सुबह सुबह उठ के व्लॉग शुरू करते हैं ईद का, लेकिन जैसे कि आप लोग देख सकते हैं राइट नाउ इट्स 2:42। इसी बात पे मैं कहता हूँ कि मेरे लिए क्लैपिंग होनी चाहिए, तो प्लीज क्लैपिंग शुरू कर दें। मुदस्सर बैठ जाओ, मुदस्सर क्योंकि इस चैनल पे मैं एक चीज कहता हूँ और उस चीज को हम कहते हैं प्यार से लेस डिप्रेसो मोर एस्प्रेसो। हमेशा जब भी आप कॉफी पिए तो आप सोचे मेरे बारे में और आप कहें less depresso, more espresso. This is going to be the first time I'm going to drink coffee in over a month. मतलब पूरे रमजान में मैंने कॉफी पी नहीं। तो मैंने कहा कि मेरी खुशी के मौके में आप लोगों को भी शामिल होना चाहिए, तो अभी हम जा रहे हैं कॉफी लेने। मैं इस वक्त आप लोगों को एक ईद की स्टोरी सुनाना चाहता हूँ जो आज सुबह सुबह हुआ था। तो बेसिकली इस तरह हुआ था कि मैं ईद की नमाज पढ़ के लिविंग रूम में गया और वहाँ पे मैंने देखा कि कोई नया बंदा बैठा हुआ है। इस बंदे को मैंने जिंदगी में पहले देखा ही नहीं कभी। सारे घर वाले, लिटरली सारे घर वाले परेशान थे क्योंकि इस ईद जाहिर बात है लाइक वी प्रैक्टिसिंग सोशल डिस्टेंसिंग, तो ना ही तो हम किसी के घर गए थे और ना ही कोई हमारे घर आया था, विच इज अ वेरी वेरी वियर्ड सिचुएशन। मतलब लिटरली ईद में बंदा करता ही है कि दूसरों के घर जाता है, लोगों से मिलता है जो रिश्तेदार फ्रेंड्स और फैमिली होते हैं, एंड फॉर द फर्स्ट ईद एवर ऐसे था कि बस अपने अपने घरों में सब बैठो। तो बेसिकली ये मर्द हजरात हमारे घर बैठे हुए थे और लिटरली हम सब ना इस तरह करके बैठे हुए थे। अब जाहिर बात है किसी मेहमान को आप बुरा तो नहीं कह सकते कि आप क्यों आए हो या कुछ, लेकिन वो पहुंच के लिटरली कोरोना के बीच में, कोरोना इस वक्त लिटरली पीक पे आया और ये मेहमान साहब आके हमारे घर टपक गए। तो खैर किसी तरह कर कर आके सब दूर दूर बैठ गया और फिर वो जाते वक्त मैंने बस अल्लाह हाफिज दूर से इस तरह हाथ हिला के अल्लाह हाफिज कह दिया और बस टाटा हो गया उसके बाद। थैंक यू। मेरा आप वो कर दें लार्ज जो आइस कैपेचिनो होता है आपका, उसमें कॉफ़ी ज़्यादा डालना है ताकि एस्प्रेसो ज़्यादा हो। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू। मुझे लग रहा है हमारा ऑर्डर आने वाला है, तो से नो टू कोरोना। ये आप ट्रे वहाँ पे रख सकते हैं अगर आप बुरा ना माने तो। थैंक यू। और इसका जो बिल है वो वहीं पे सही, बिल भी यहाँ पे रखते हैं जी। थैंक यू। सॉरी, थैंक यू सो मच। कोरोना की वजह से करना पड़ता है। ठीक है, थैंक यू। अच्छा, तो जैसे कि आपने अभी भी देखा था, मैंने बहुत ही डिफरेंट तरीके से ये ड्रिंक्स रिसीव किए थे और बिल के पैसे दिए थे, बिकॉज मैं कहता हूँ से नो टू कोरोना। फिर नाउ इट्स टाइम टू डू अ कॉफी टेस्ट टेस्ट। Less depresso, more espresso. Basically, मेरे घर में छोटा सा ट्रेडिशन है, वो ट्रेडिशन ये है कि हम सारे बच्चे अपनी ईदी इकट्ठी करके हम खर्च करते हैं खाने पे। मतलब हम फजूल खर्ची नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ खाने पे। इसीलिए आपने पहले भी खाने की चीजें देखी थी और अभी एक और भी खाने की चीज आप देखेंगे। क्योंकि अभी हम आए हैं पिज्जा उठाने, लेकिन पिज्जा भी हम तरीके से उठाएंगे क्योंकि से नो टू कोरोना। अच्छा, तो अभी जैसे कि आप देख सकते हैं there's a windscreen up here जिसको हम खोल के मैं इससे बाहर निकलूंगा and then we're gonna receive the order. Time to go up. Okay, here we go. This is very weird. किसी ने इस तरह कभी सनरूफ से निकल के पिज्जा रिसीव किया है? मैं पहली दफा शायद कर रहा हूँ। और आप लोग सोच रहे होंगे क्यों? क्योंकि hashtag do it for the vlog. अगर आप व्लॉग के लिए नहीं करोगे तो करोगे किसके लिए? Eid expectations versus reality. Oh my god, thank you so much. जरा एक तस्वीर खींच उसे। चुकर। What's up guys? तो अभी मेरे साथ आ गए नोनो। Yeah. और हमारे साथ आ गए Bean Boozled। Yeah. Yeah. अच्छा। तो अभी we're about to play the Bean Boozled Jelly Bean game। नोनो, तुमने आज से Bean Boozled खेली है? नहीं। So for those of you guys that don't know what Bean Boozled is, basically it's a game जिसमें हर कलर के दो दो जली बीन होंगे। मतलब कि ग्रीन कलर के दो किस्म के होंगे, एक अच्छा होगा और एक बुरा होगा। फॉर एग्जाम्पल द व्हाइट जली बीन कैन आइदर बी कोकोनट फ्लेवर्ड जो अच्छा होगा,
या स्पॉइल्ड मिल्क मतलब कड़वा दूध, अल्लाह करे दोनों को कड़वा दूध आए। स्पॉइल्ड मिल्क कड़वा दूध तो नहीं होता, खराब 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 स्पॉइल्ड कड़वा। Okay, now we're gonna see. Whoa. So basically, this is the spinner. इसको हम इस तरह, इसको basically हम spin करेंगे and whichever flavor it lands on, उस flavor का जड़ी भी हमने खाना है। अब या तो वो flavor अच्छा हो सकता है या बुरा हो सकता है। Smell दोनों का बिल्कुल same होता है। So you have absolutely no idea which one is good and which one is bad. मैं बहुत डर लग रहा है। मुझे भी बहुत डर लग रहा है। अब for example, this flavor can either be a strawberry banana smoothie. Smoothie तो मजे का होता है, हर कोई बहुत शौक से पीता है। हाँ, लाजवाब। लेकिन this can also be dead fish, मतलब मरी हुई मछली हो सकती है। नोनो, मुझे जिंदा मछली भी नहीं पसंद। अल्लाह करे, अल्लाह करे। अच्छा, इन्होंने रूल्स भी बताए हुए हैं। रूल्स में सबसे पहले ये बताया कि अपने साथ डस्टबिन लाजमी रखें। There's a good chance you'll throw up. तो हम दोनों के पास डस्टबिन है। मैं अभी से बता रहा हूँ, रूल ये है कि जो भी जली बीन होगा वो खाना पूरा, ये नहीं कि थूके जा रहा। कैमरे पे कहो कि जो भी जली बीन होगा चाहे जितना डॉग फूड निकला मैं नहीं खा रहा, या फिर डेड फिश भी मैं नहीं खा रहा। नहीं खाना होगा, क्यों नहीं खाना होगा? अभी टेस्ट तो कह रहा हूँ, लाइक वो एक्सपीरियंस आ गया, मैं पेट में क्यों लेके जा रहा, दिमाग खराब हो रहा है। अच्छा, तो अभी नोनो इज अबाउट टू स्पिन द स्पिनर फॉर राउंड 1 एंड वी आर अबाउट टू सी व्हिच फ्लेवर वी हैव टू ईट। 3, 2, 1 गो। पहला फ्लेवर जो आया है, इट्स आइदर स्पॉइल्ड मिल्क और कोकोनट। स्पॉइल्ड मिल्क और कोकोनट, नो नो। अच्छा, अपना अपना एक सफेद उठाना है। ओके यार नहीं, इतने बड़े हैं ये, वीडियोस में छोटे छोटे लग रहे हैं। थैंक यू। कोकोनट राउंड 2 लाइम या फिर लॉन क्लिपिंग। दिस इज द वन, दिस इज आइदर लाइम और लॉन क्लिपिंग। दोनों ऐसे इतने बुरे नहीं होंगे, टू बी ऑनेस्ट। हाँ हाँ, ये दोनों ही वैसे चले हैं। Lawn clippings, लेकिन इतना बुरा बिल्कुल भी नहीं है। Lawn clippings, वो बिल्कुल वाकी घास है ना? Literally ऐसे, वो जो नहीं होता, जस्ट smell आती है घास। हाँ, घास fresh कटता है घास। Third round, अभी तक हम लोग एक अच्छा है, और एक बुरा है। एक बुरा है। 3, 2, 1 कौन से? Buttered popcorn or rotten egg? Round 3 is either buttered popcorn or rotten egg. Free ho jata hai bachcha. Abhi hum kha rahe hain the yellow and white ones, jo aap dekh sakte hain ki it's either rotten egg or buttered popcorn. Ye wala bahut mushkil hoga. 2 1 go. Oh nahi. Oh you. Oh nahi. सबसे जो गंदा है ना इस गेम में, एक रॉटन एग और दूसरा स्पॉइल्ड मिल्क, और अभी इसको रॉटन एग मिला है। तुझे भी मिला है? मेरा सही है, बंदे सोया खाते हैं ये वाले दिन, तो मैं रॉटन फूला वांडा खिला रहे हैं मुझे। खाओ, खत्म करो। आई लव दिस गेम। अगला राउंड, नेक्स्ट राउंड, पीच और बार्फ या उल्टी। लिटरली उल्टी फ्लेवर का कैंडी कौन बनाता है, मुझे आप जरा ये बताएं। एक तो फ्लेवर इमीडिएटली हिट भी नहीं करता ना। ओह हाहा, मेरा पीच है, बर्फ है, मैं नहीं कर सकता। क्या बोलो, खा तू। नहीं खा यार, मैं कसम से उल्टी करता हूँ। I swear. हाँ, उल्टी खा के उल्टी करेगा, खा। नहीं नहीं, शाला खाने हैं तुमने, शाला खाने हैं तुमने, तुम नहीं फेंक सकते। Do not let wimps or cry babies play this game. That one is broken. Disgusting. Yeah, nahi, strawberry banana smoothie or dead fish. Yes! Good, my favorite. Kya matlab good? Haan, tum dead fish khate rehte ho na, bade shaukiya tareeke se. मेरा स्मूदी है, स्ट्रॉबेरी बनाना स्मूदी। दोनों को डेड फिश मिला था, दैट्स डिस्गस्टिंग। क्या हुआ? अभी तक का फेवरेट राउंड मेरा यही है। यस, ओके, अब दोनों वापस आ चुका है, अब इट्स टाइम फॉर द नेक्स्ट राउंड। अच्छा, तो द नेक्स्ट फ्लेवर वी आर अबाउट टू ट्राई इज आइदर टूटी फ्रूटी और स्टिंकी सॉक्स, जो दोनों के वैसे ही होते हैं, इसके जराबे होते ही मतलब बदबूदार है। बस जो आ गया, दूसरा आ रहा है।
जानता कुछ नहीं है मेरे बारे में. टूटी फ्रूटी सही, नॉट बैड, दैट वाज गुड. नोला के बदबूदार मोजे इस दफा नहीं आए. ये हम बिल्कुल भी नहीं, ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं. जूसी जूसी पेयर और बुगर. नोनो जो पूरी जिंदगी अपनी नाक में उंगली डालता रहा, अब उसको वही टेस्ट फिर से मिलेगी. तुम खाते रहे हो ठीक है, मैं तुम्हें, तुम तो कस्टम हो गए, तुम्हारे दोनों अच्छे फेवरेट हैं. अल्लाह करे इसको बुगर आए. अगर हम में से किसी का भी कैन डॉग फूड आया तो सीन इस वक्त काफी गंदा और काफी बुरा होने वाला है. मैंने खेला है. मेरा अच्छा है. अच्छा नहीं, मेरी चॉकलेट पुडिंग है. मुझे था ये अभी रोना शुरू कर देगा. फिर खुदा नॉट बैड. ऑड्स ऑन यू ट्राइंग अनदर वन ऑफ चॉकलेट पुडिंग वाला या फिर कैन डॉग फूड वाला. 3 में से कर लेते हैं. अभी हम दोनों 3 में से एक नंबर चूज करेंगे. अगर हम दोनों का नंबर मैच हुआ तो मैं कौन सा खाना, कैन फूड वाला, कैन डॉग फूड वाला, जो कैन डॉग फूड वाला, ये वाला जो लोबिया वाला है. हां सही है. ठीक है, 1 2 3 2. शिट. हे यार, ईट इट ऑल. No. Yeah. No. Yeah. No. 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 Oh. Oh. Walkie man, na pura. Yes. Karma. Yeah. Bas. टॉयलेट फ्लश नहीं हो रहा. ओके, अब आप बंद कर दे. लास्ट राउंड चलो यार. बेरी ब्लू और टूथपेस्ट. बिल्कुल, मैं मेरा टूथपेस्ट भी निकला. मैं बहुत खुश हूँ, सारा गंद मुंह से निकल जाएगा. यार लिटरली मुझे लगता है कि एक है जो अच्छा होगा. मतलब लाइक आई डोंट माइंड टूथपेस्ट और आई डोंट माइंड बेरी. 3 2 1. यस, टूथपेस्ट. नहीं, टूथपेस्ट मजे का है, मिंटी सा है, मतलब मुंह साफ हो गया. मैं कहता हूँ कमाल कमाल कमाल, कोलगेट वाला. गुड स्टफ. That's it for the Bean Boozled Challenge. Bye. अच्छा, तो अभी जैसे कि आप देख सकते हैं, we have 6 cups of kheer. और अभी मैं जा रहा हूँ, because we have to give all of these to the security guards. तो अभी चलते हैं, let's go and give them. और literally जब से मैं खीर को बाहर लाया हूँ, तब से मुसलसल waffle मेरे साथ घूम रहा है. और ये तब से कोशिश कर रहा है कि एक कप इसको मिल जाए, लेकिन no, no kheer for you waffle. थोड़ा थोड़ा इस बेचारे को भी दे देंगे, इसकी भी ईद है. एक चीज जो मैं कहना चाहूंगा वो ये है कि मुझे पता है कि हर ईद ना लोग फिरनी बनाते हैं, लोग खीर बनाते हैं, लोग मीठे चावल बनाते हैं और एक दूसरों को भेजते हैं. क्योंकि मुझे भी पता है कि हमारे घर भी इसी तरह होता है कि अगर हमारे घर खीर या कुछ बनता है तो वो ना हम अपने पड़ोसियों को भेजते हैं. लेकिन एक चीज दैट आई रियली रियली होप आई कैन इन्फ्लुएंस इवन वन ऑफ यू गाइस टू डू इज दैट आपके जो इर्द गिर्द जो लोग काम कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल इस वक्त मेरे पूरे मोहल्ले में ना 6 सिक्योरिटी गार्ड्स अभी भी काम कर रहे हैं, मतलब ईद के दिन भी काम कर रहे हैं. एंड टू मी दैट्स माइंड ब्लोइंग. क्योंकि इसी लिटरली हम सारे कंप्लेन कर रहे हैं कि ओ हम अपने रिश्तेदारों के घर नहीं जा सकते, हम अपने दोस्तों के घर नहीं जा सकते, एंड देयर सिक्योरिटी गार्ड्स दैट आर अवे फ्रॉम देयर फैमिली और वो लिटरली सिर्फ काम कर रहे हैं आज, ट्राइंग टू कीप अस सेफ एंड ट्राइंग टू कीप आवर ईद सेफ. लिटरली सिर्फ इसलिए कि हमारी ईद आराम से और सुकून से गुजर सके और खुदा ना खास्ता कोई मसला ना हो. तो बेसिकली मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि ऑन ओकेजन लाइक ईद, जिस पर हर कोई इतनी खुशियां बनाता है और हर कोई एक दूसरे को चीजें भेजता है, ट्राई टू लुक आउट फॉर द पीपल दैट आर लेस फॉर्चुनेट देन यू एंड हैव इट अ लिटिल बिट वर्स. और या Ooh, that lighting though. अच्छा, तो just like that हमारा ईद का पहला दिन खत्म होता है. And I really really hope you guys enjoyed my Eid day vlog. क्योंकि अगर मैं सच बताऊँ, this Eid wasn't crazy. मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि family आ रही है, हम किसी के घर जा रहे हैं, which was very very different from all the Eids in the past. लेकिन ये बात आपको भी माननी होगी कि there was something so different and so unique about this Eid. So honestly, अगर मैं बिल्कुल सच बताऊँ, I didn't mind this Eid and I actually had a really really good time. And on that note, that's it for this vlog. I hope you guys enjoyed this video. If you did, don't forget to give this video a thumbs up, subscribe to the channel if you're new, hit that post notification button, always stay posted whenever I post a new video, aur hamesha ki tarah. Always remember, you're unique, you're one of a kind, you're perfect as you are, and you're you. And you can change the world. Allah Hafiz. Today is the next year. मुझे अभी अभी नोनो का मैसेज आया कि उसको अभी तक मछली की टेस्ट आ रही है और कि उससे खाना खाया नहीं जा रहा अब.